कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए आने वाले समय में बिहार सरकार ने केंद्र से आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मेडिकल किट की कमी का मामला उठाया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई आवश्यक उपकरणों की मांग के साथ तत्काल 100 वेंटिलेटर देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि रोकथाम और इलाज के लिए N95 मास्क PPE किट का इंतजाम होना चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह काम हुआ है, इससे हमें भरोसा है कि हम जल्द इस संकट से मुक्ति पा लेंगे। अब हमारा आग्रह खासकर उपकरणों की उपलब्धता को लेकर है। लेबोरेटरी ट्रस्ट को प्रभावी बनाने के लिए केंद्र से अधिक टेस्टिंग किट्स की जरूरत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इनमें BP व RNA एक्सट्रैक्शन किट को समाहित करते हुए एक सेट के रूप में दिया जाए तो इसका काफी अच्छा परिणाम होगा। 5 लाख PPE किट की मांग की गई, लेकिन अभी तक 4,000 ही मिले हैं। 10 लाख सी प्लाई मास्क की बजाय 1 लाख मिले। मांगे गए 10,000 RNA एक्सट्रैक्शन किट में से अभी तक 250 ही मिले हैं। 100 वेंटिलेटर मांगा गया है, लेकिन अभी एक भी नहीं मिला है। इसके बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार का शुक्रिया करते हुए कहा कि केंद्र सरकार से PPE किट्स, N95 मास्क और वेंटिलेटर्स की मांग करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया। हम जानते थे कि बिहार में इनकी भारी कमी है, इसलिए निरंतर 20 दिनों से इसकी मांग कर रहे थे। डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी लगातार वीडियो वायरल कर रहे थे। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। न्यूज़ डेस्क।